हॉलीवुड के अभिनेता मॉर्गन फ्रीमैन को लेकर सोशल मीडिया पर एक दावा वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स दावा कर रहे हैं कि कतर में हो रहे फीफा वर्ल्ड कप के दौरान मॉर्गन ने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया है। फेसबुक पर डॉक्टर जाकिर नायक साहब के चाहने वालों का ग्रुप नामक एक ग्रुप है। इस ग्रुप पर एक यूजर ने मॉर्गन की फोटो को शेयर करते हुए लिखा, प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता मॉर्गन फ्रीमैन ने इस्लाम कबूल कर लिया, माशाल्लाह। वहीं कई अन्य सोशल मीडिया यूजर्स द्वारा भी फ्रीमैन को लेकर ऐसा ही दावा किया जा रहा है। मॉर्गन फ्रीमैन के इस्लाम धर्म स्वीकार करने के दावे की जांच के लिए डीप फेक की टीम ने गूगल पर कुछ कीवर्ड सर्च किए। हमें कई न्यूज वेबसाइट की समाचार कवरेज मिली। इन कवरेज में बताया गया है कि फ्रीमैन ने फीफा वर्ल्ड कप के उद्घाटन समारोह के दौरान बेहतरीन वक्तव्य दिया। कतर के युवक गानिम अल मुफ्ताह के साथ मॉर्गन फ्रीमैन के संवाद ने लोगों का दिल जीत लिया। वहीं गानिम अल मुफ्ताह और फ्रीमैन के बीच संवाद को आप यहां देख सकते हैं, जिसे कैप्शन दिया गया है, गानिम अल मुफ्ताह ने अमेरिकी अभिनेता मॉर्गन फ्रीमैन की उपस्थिति में पवित्र कुरान के आयतों के साथ विश्व कप की शुरुआत की। वहीं हमें कतर में मॉर्गन फ्रीमैन के इस्लाम कबूल करने के संदर्भ में मेनस्ट्रीम मीडिया में प्रकाशित कोई भी समाचार नहीं मिला। डीप्रैक के इस फैक्ट चेक से स्पष्ट हो रहा है फ्रीमैन ने इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया है। वो फीफा वर्ल्ड कप के उद्घाटन समारोह में उपस्थित थे, इसीलिए सोशल मीडिया यूजर्स का दावा गलत है। इस तरह के और फैक्ट चेक के लिए देखते रहें डीप्रैक।